हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए फेरोमैग्नीज का सल्फर टेस्ट करने जा रहा हूं। इस प्रोसीड्यूर को पूरा स्टार्टिंग से लेके कंप्लीट होने तक देखते रहिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो बीच में समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। और आगे चलिए हम लोग डायरेक्ट लाइव ही चलते हैं, है ना। वहाँ टेस्ट प्रोसीड्यूर स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, इसी सैंपल का हम लोग आज सल्फर टेस्ट करेंगे। ये फेरोमैग्नीज का सैंपल है, इसी सैंपल को मैं यहाँ बैलेंस में 1 ग्राम वेट कर लिया हूँ, ठीक है। इसमें मेरा सैंपल 1 ग्राम है, देखिए, ठीक है। अभी इसे क्या करना है, इसे फ्यूज़ करना है। फ्यूज़ किससे करेंगे हम लोग, तो हम लोग फ्यूज़ करेंगे सोडियम पर ऑक्साइड से, ठीक है। सोडियम पर ऑक्साइड मैंने पहले से ही वजन करके रख लिया हूँ। मैं 1 ग्राम, देखिए, सोडियम पर ऑक्साइड इसमें वजन करके रखा हूँ, ठीक है। ये दानेदार होता है। अभी चूंकि मैं पहले से वेट कर लिया हूँ, इसलिए देखिए थोड़ा हल्का मॉइस्चर आ गया इस सैंपल में, ठीक है। ये इस टाइप का सोडियम पर ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे कि ये जो सैंपल है, सैंपल को सबसे पहले हम ये प्लेटिनम क्रूसेबल में डाल देंगे। इसमें, ठीक है, डाल दिया। अब डालने के बाद क्या करेंगे, इसी प्लेटिनम क्रूसेबल में ये जो सोडियम परऑक्साइड का सैंपल है, सोडियम परऑक्साइड है, उसको मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है। ये इसको डाल दीजिए, इसको एक लेयर बना के इसमें डाल दीजिए। इसमें देखिए, इसमें मैं डाल दिया। अभी क्या करना है, इसको धीरे धीरे हम लोग इसको फ्यूज़ करेंगे। फ्यूज़ करेंगे, मफल फर्नेस के में ले जाएंगे, और ले जाने के बाद इसको बहुत ही लो टेम्परेचर पे पहले इसको डालेंगे, फिर तुरंत तुरंत निकालेंगे। ऐसा नहीं कि इसको आप डाल के छोड़ दीजिएगा, पता चलेगा कि ये आपका क्रूसेबल को ही मेल्ट कर दे, ठीक है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं मफल फर्नेस। हम लोग आ गए हैं मफल फर्नेस के पास, इसको खोलते हैं और इसमें ये सैंपल को डाल फ्यूज करने के लिए, ठीक है। इसमें डालिए, डाल दिया हूँ। 1 मिनट के अंदर आप उसको बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है। जो डाले हैं फ्यूज़ के होने के लिए, वो 1 मिनट के अंदर इसको बाहर निकालिएगा, उसको देखिएगा, है ना, कि आपका क्रूसेबल ख़राब तो नहीं हो रहा है। उसका विशेष ध्यान रखिएगा। सोडियम परऑक्साइड जब अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्या होगा, क्रूसेबल आपका ख़राब हो जाएगा, पंचर हो सकता है, ठीक है। इसलिए बीच बीच में जैसे हम लोग फ्यूज़न मिक्सर डाल के हम लोग छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं छोड़ना है उसको। हर 1 मिनट 2 मिनट में एक बार देखते रहिएगा। फिर उसके बाद जब सब नॉर्मल हो जाएगा, फिर देखिएगा सारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर आप 10 मिनट के लिए उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये इन्वायरमेंट में आता है सोडियम परऑक्साइड, ये रिएक्शन होना स्टार्ट कर देता है, ये तुरंत आपको लिक्विड फॉर्म में आने लगेगा ये, ठीक है। जैसे केओएच वगैरह होता है ना, देखिए क्या पोजीशन हो रहा है, पूरा रेड फ्लेम आ रहा है बाहर, उसमें पूरा क्रूसेबल ब्लैक कर देगा ऊपर में। इसको थोड़ा मूव कीजिए, इस टाइप से सेक कीजिए, एजिटेट कीजिएगा। एजिटेट करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा कहीं हाथ से छूटे नहीं आपका क्रूसेबल, है ना। देखिए क्रूसेबल का क्या पोजीशन हो गया आपका, ये पूरा ऊपर में ब्लैक हो गया, उसका फ्यूम जहाँ तक गया वो पूरा ब्लैक हो गया वो, ठीक है।
देखिए क्यों ब्लैक हुआ, ये एक्चुअली जो सैंपल था आपका फेरोमैग्नीस था, ये हाई कार्बन है, ठीक है, हाई कार्बन होने के कारण ये ब्लैक हो गया। इसका कार्बन है, जिस सैंपल को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं ये 5% कार्बन है इसका, है ना, इसलिए ये ब्लैक हो गया पूरा। इसको आसानी से पकड़िए, देखिए क्या है, ये ब्लैक है, ये जब पूरा कंप्लीट फ्यूज हो जाएगा ना तो हल्का ग्रीनिश कलर में आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये ठंडा हो गया, फिर हम थोड़ी देर के लिए इसको फर्नेस में डालेंगे, ठीक है। इसमें एक्चुअली टेस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है टेस्ट करना, लेकिन क्या है फ्यूज़ करने के लिए आपको आना चाहिए। फ्यूज़ करने अगर आपको सही से नहीं आएगा तो आपका सैंपल सही से फ्यूज़ नहीं होगा, और सही से फ्यूज़ नहीं होगा तो रिज़ल्ट सही नहीं आएगा आपका, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग को बार बार करना होगा, ठीक है, 10-15 मिनट आपको लगेगा इसको फ्यूज़ होने में, इसको बार बार करना होगा। देखिए अभी हल्का हल्का ये क्या है ग्रीनिश कलर में आने लगा है ना, लेकिन फिर भी अभी ये कंप्लीट फ्यूज़ नहीं हुआ है। आपको फ्यूज़ करने में इसको कम से कम 15 मिनट लगेगा, ठीक है, 15 मिनट में आपको कम बार बार 5 बार आपको अंदर बाहर आपको मफल फरने से करना होगा, ठीक है। ऐसा ना कि आप एक ही बार में डायरेक्ट छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कीजिएगा, ये तो आपका क्रूसेबल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अभी फिर हम मेरा ठंडा हो गया है, अभी फिर मैं इसको डाल रहा हूँ मफल फर्नेस में, डाल दिया हूँ, 1-2 मिनट इसको रहने दूंगा, फिर इसको मैं बाहर निकाल लूँगा, ठीक है, यही प्रोसेस मुझे करना है। 1-2 मिनट हो गया है, मैं इसे फिर बाहर निकालता हूँ। इसमें देखिएगा कि जब भी आप खोलिएगा मफल फर्नेस तो इसमें देखिएगा एक तरह का फ्यूमिंग होगा, है ना, ये फ्यूमिंग बंद हो जाना चाहिए। जब फ्यूमिंग आपका बंद हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि हमारा ये फ्यूज़ भी हो चुका है, ठीक है। इसको ठंडा होने देते हैं, फिर देख लेंगे। मैं दोबारा फिर इसमें डाल दिया हूँ अपना क्रूसेबल को, और फिर अब निकाल के देख लूँगा थोड़ी देर में कि हुआ है कि नहीं, ठीक है। निकाल ले रहा हूँ क्रूसेबल को, देखिए क्रूसेबल वहाँ दिख रहा है, रख दिया, इसको बंद करो, ठंडा होने दीजिए, देखते हैं फिर। मेरा फ्यूजिंग हो चुका है, सैंपल मेरा फ्यूज हो गया है। अभी इसे क्या करेंगे, इसमें 1:1 HCl रखे हैं, डायल्यूट HCl है, इसमें इसको डाल के हम लोग इसको इसके अंदर में जितना भी रेसिड्यू है मेरा वो इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, क्रूसेबल छोड़ देगा ये, ठीक है। तो इसमें मैं डाल दे रहा हूँ, ये देखिए जैसे ही डाला ये रिएक्शन करेगा धीरे धीरे, ये इसमें जितना भी मटेरियल है ये सारा छोड़ देगा ये, ठीक है। कुछ देर के बाद आपको दिखाऊँगा, देखिए हॉट प्लेट पे मैं इसको रख दिया हूँ, जैसे जैसे गर्म होगा ये मेरा क्रूसेबल साफ हो जाएगा, छोड़ देगा उसको, जितना भी इसमें मटेरियल सटा हुआ है वो सारा निकल जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको क्रूसेबल को इसमें से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अभी हॉट प्लेट पे ही रहेगा ये, अब धीरे धीरे फिर क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को हम बेक कर देंगे, ठीक है।
अभी देखिए आप देख जब स्टार्टिंग में देखे होंगे प्लेटिनम का कलर कैसा था, पूरा ब्लैक इस टाइप का हो गया था। अभी देखिए मेरा प्लेटिनम भी साफ़ हो गया और इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन था वो भी निकल गया। अभी क्या करेंगे, इसको हम हॉट प्लेट से नीचे यहाँ लाते हैं और इसमें से हम प्लेटिनम क्रूसिबल को बाहर निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे देखिए, इसको एक ग्लास रॉड से इसको पकड़िए, ठीक है, और डिस्टिल वाटर इसको मार दीजिए ऊपर से, ठीक है, हल्का हल्का मूव करके मार दीजिए, अंदर में मार दीजिए इसको, जो भी था निकल जाएगा, वो सारा निकल गया। इसके अंदर बढ़िया से वॉश कर लीजिए डिस्टिल वाटर से, ये डाल दीजिए। मेरा जैसा पहले था प्लेटिनम वैसा हो गया। अब इसको हम यहीं पर सूखने के लिए छोड़ देते हैं, ड्राई हो जाएगा थोड़ा, उसके बाद मैं रख दूँगा। अब ये जो सॉल्यूशन जो बचा मेरा, इस सॉल्यूशन को आपको बेक करना है। क्या करना है, बेक करना है एकदम पूरा कम्प्लीटली बेक, ठीक है, बेक होने तक आपको इसको हॉट प्लेट पर रखना है, ठीक है। तो अब बेक होने का इंतज़ार कीजिए, तब तक हम इसको बेक करते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीड्योर आप लोग को बताऊँगा। अभी आप ये देख पा रहे होंगे कि इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 25 ml से भी कम हो चुका है। अब कुछ ही देर में ये कंप्लीट बेक हो जाएगा। कंप्लीट बेक करने के बाद फिर इसको हम हॉट प्लेट से रिमूव करेंगे, इसमें आपको फिर मैं दिखाऊंगा। अभी जैसे ही इसका वॉल्यूम बहुत मिनिमम हो जाए, देखिए इस टाइप से, आप अपने हॉट प्लेट का टेम्परेचर कम कर दीजिए। मैं देखिए अपना हॉट प्लेट का टेम्परेचर कम कर दिया, इसलिए क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो हमारा जो उसमें सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, बम्प मारेगा और ये ऊपर आने का चांस रहेगा। हो सकता है आपका बीकर से ही बाहर आ जाए साइड से, है ना। इसलिए अगर आपके हॉट प्लेट में टेम्परेचर कम करने का व्यवस्था नहीं हो तो आप सिंपल एक ट्रे ले लीजिए, ट्रे में सैंड डालिए, सैंड को इस पर हॉट प्लेट पर रख दीजिए, उसके ऊपर में फिर इसको आप रखिए ताकि वो बहुत ही स्लो हीट में वो बेक हो जाए। नहीं अगर स्लो हीट में भी कीजिएगा तो आपका जो भी है, मैं जैसे बताया कि बाहर चला जाएगा, छीटा मारेगा, बम्प करेगा, बाहर चला जाएगा, आपका सैंपल कम हो जाएगा, रिपोर्ट सही नहीं आएगा, ठीक है। अभी मेरा लास्ट कंडीशन है अभी बेकिंग का, देख लीजिए कैसा हो रहा है बेक। बेक हो जाने के बाद फिर मैं इसे रिमूव करूँगा। सॉल्यूशन का पोजीशन देखिए कैसा हो गया, अभी भी बेक नहीं हुआ है कंप्लीट। देखिए मेरा कंप्लीट बेक हो गया है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर में ये वाच ग्लास में वाटर नहीं होना चाहिए, ऊपर में जो बीच में पानी लटकता है यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए, वो सूख जाएगा कंप्लीट। समझ जाइएगा कि हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो बेक कर गया है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, देख लीजिए इस टाइप का, ठीक है। ये फ्यूज़ किया हुआ है मटेरियल, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अगर आप देखिए फ्यूज़ अगर करने में असमर्थ हैं, नहीं कर पा रहे हैं फ्यूज़, तो एक प्रोसीड्योर और है, उससे आप इसको इसका पार्टिकल्स को तोड़ सकते हैं। वो क्या है कि जैसे हम लोग अभी HCL में डाल के इसको डिजॉल्व कर रहे थे, तो उस बीच में आपको बार बार हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF से ट्रीट करते रहना होगा। कम से कम 50 से 50-60 ml HF आपको लग जाएगा इसको ट्रीट करने में, मतलब उसका सिलिका पार्टिकल्स को तोड़ने में, ठीक है। तो उस प्रोसेस से भी आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा सैंपल को, तो वो भी काम आ जाएगा। अभी मेरा काम ये हो गया है, अब मैं इसको यहाँ से हॉट प्लेट से नीचे कर लिया, इसको ठंडा होने देते हैं, फिर इसको 1:1 HCl से रिडिजॉल्व कर लेंगे। इस प्रोसेस में आपको कम से कम
इसको बेक करने में 2-3 घंटा से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। इसलिए टाइम में हड़बड़ी नहीं कीजिएगा। ये ठंडा हो गया है, अभी इसको इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1:1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसको डिसॉल्व करेंगे। 1:1 मतलब डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम रखे हैं इसमें, इसको हम डिसॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 50 ml डाल देते हैं, 50 ml में हो जाएगा ये। ये हो गया, वाच ग्लास लगाइए, इसको हॉट प्लेट पे रख दीजिए। और मैं टेम्परेचर देखिए फिर वापस बढ़ा दिया हूँ, 250 कर दिया हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये डिसॉल्व होगा, उसके बाद क्या करेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे। तब तक हम फिल्टर लगा लेते हैं। ये बगल में डिस्टिल वाटर डाल दिए हैं, हॉट हो रहा है, गर्म कर रहे हैं, गर्म पानी से ही इसको वाश कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा HCl से भी वाश कर लेंगे, वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक हम क्या करते हैं कि इधर फिल्टर सेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फनल लगा दिया हूँ, फिल्टर लगा दिया हूँ, फिल्टर पेपर, और ये 400 ml का मेरे पास बीकर है, बीकर में ही हम फिल्टर करेंगे। इधर सॉल्यूशन देखिए मेरा डिसॉल्व होने लग गया है, अब इसको क्या करेंगे, हम फिल्टर करेंगे। चलिए फिल्टर करते हैं। चलिए इसको अब यहाँ से रिमूव करते हैं और फिल्टर करते हैं। थोड़ा जो सटा होगा, स्टिक किया होगा, उसको आप थोड़ा इसको छुड़ा लीजिए और इसको ये फिल्टर कीजिए। अभी इसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा डायल्यूट HCl डालिए, थोड़ा डिस्टिल वाटर डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए। एक दो बार आप HCl से, डायल्यूट HCl से इसको वाश कर दीजिए, थोड़ा ज़्यादा नहीं, 50 ml के आसपास लेकर सॉल्यूशन को, HCl और डिस्टिल वाटर को इसको वाश कर लीजिए। देखिए मेरा करीब करीब क्लियर हो गया है। हम सिंपली इसको हॉट वाटर से ही वाश कर लेंगे, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं डेवलप करेंगे, ज़्यादा डेवलप करेंगे तो दिक्कत होगा। डिस्टिल वाटर से वाश कर ले रहे हैं हम लोग। ये आपको जो दिख रहा है इसमें ब्लैक ब्लैक, ये कार्बन है। मुझे इस रेसिड्यू की आवश्यकता नहीं है, मुझे ज़रूरत है इसका, फिल्ट्रेट का। अभी हम लोग सल्फर जो टेस्ट करेंगे, इसी फिल्ट्रेट से सल्फर टेस्ट करेंगे। इस बीच हम 1 ग्राम
बेरियम क्लोराइड का वेट ले लिया हूँ, इसी बेरियम क्लोराइड को हम उसमें मिक्स करेंगे। एक्यूरेट 1 ग्राम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिक्स कर देंगे। आपको कब मिक्स करना है वो चलिए मैं आपको, ये मेरा फिल्टर्ड कंप्लीट है। अभी इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका एसिडिटी मेंटेन करेंगे थोड़ा। तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, इसमें थोड़ा डालते हैं इसको। इसको हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे, इससे करेंगे HCl से। ठीक है, वापस उसी पोजीशन में आएंगे। अभी इसको हॉट प्लेट पे रख दीजिए। ये मेरा हॉट प्लेट पे रख दिया। अभी ये जैसे ही ये डिसॉल्व होना स्टार्ट करेगा, एक दो बबल्स आने लगेंगे, उसी टाइम में हम क्या करेंगे, जो बेरियम क्लोराइड 1 ग्राम वजन करके रखे हैं उसमें, इसको डाल देंगे, ठीक है। या तो आप बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना के रखिए, पहले से 10% का सॉल्यूशन बना के रखिए और आप उसको 10 ml डालिएगा, ठीक है। तो मैं एक्चुअली वही कर रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन नहीं बना के सीधा 1 ग्राम मैं डाल दे रहा हूँ। अभी इसको 10 मिनट हम हॉट प्लेट पे रखे हैं, डिजॉल्व किए हैं। अभी इसको फिर हम वापस क्या करेंगे, एक बार और फिल्टर कर लेंगे इसको। क्या करेंगे, एक बार और फिल्टर कर लेंगे। चलिए फिर फिल्टर करते हैं इसको। इसको फिल्टर कर लीजिए, कर ले, देखिए अंदर में क्या प्रेसिपिटेट आ गया है इसका। इसी प्रेसिपिटेट को हम अलग कर लेते हैं इससे। ये जो प्रिसिपिटेट देखिए अभी आ रहा है, वो यहाँ ऊपर में रह जाएगा, नीचे चला जाएगा मेरा फिल्टर। ये फिल्टर कंप्लीट हो गया। अब इसको फिर हम हॉट प्लेट पे डाल देते हैं, ठीक है।
हॉट प्लेट पे रख दिए हैं। ये देखिए सोडियम बेरियम क्लोराइड है 1 ग्राम, उसमें वेट किए थे आप देखे थे। अब इसको क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में डाल देंगे। देखिए सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा आप लोगों को। इसको डालने के बाद क्या होगा कि वो थोड़ा मैट फिनिश में चला जाएगा। देखिए इसको डाल के और किसी ग्लास रॉड से एजिटेट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं इसको डाल देता हूँ इसमें और इसको अच्छे से एजिटेट कर दीजिए। अभी इसको 10 मिनट आप हॉट प्लेट पे ही छोड़ दीजिए, ओके। अभी ये देखिए 15 मिनट हॉट प्लेट पे छोड़ दिए हैं। अब उसके बाद मैं इसको यहाँ से रिमूव कर ले रहा हूँ। रिमूव करके इसको नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। फिल्टर करने के बाद फिर अपन फर्नेस में डाल के जला लेना है। नेक्स्ट आगे आपको दिखा रहा हूँ। 1 घंटे के बाद आप इस सॉल्यूशन को 42 नंबर फिल्टर पेपर्स पे फिल्टर करेंगे। 41 से नहीं, 42 से, ठीक है। तो मैं अभी फिल्टर कर रहा हूँ। इसमें देखिए थोड़ा नीचे में प्रिसिपिटेट बैठा है, बेरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेट फॉर्म है। बहुत स्लो फिल्टर होगा ये, क्योंकि 42 लगा हुआ है फिल्टर पेपर, क्योंकि धीरे धीरे बूंद बूंद गिरेगा इसमें। 42 में ही फिल्टर करना है, पूरे सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। इसको गर्म पानी से वॉश करेंगे, फिर इसको मफल फर्नेस में इग्नाइट करने के लिए डाल देंगे। इग्नाइट करने के लिए मैं फिल्टर स्टैंड देखिए चेंज कर लिया हूँ। एक्चुअली मैं इसमें फिल्टर कर रहा था, बहुत स्लो फिल्टर हो रहा था। अभी जस्ट मैं क्या किया हूँ कि अपना सक्शन फ्लास्क में फिल्टर कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा फास्ट हो जाता है। ये मेरा वैक्यूम फ्लास्क है, इधर में जब मोटर देखिए चल रहा है वैक्यूम का, इसमें क्या होता है कि थोड़ा फास्ट फिल्टर होता है। ऐसे उसमें कीजिएगा डायरेक्ट, अगर आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा आपको फिल्टर करने में। उससे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगे लेकिन अच्छे से फिल्टर हो। गर्म पानी से वॉश कर लीजिएगा इसको। अभी मैं इसमें हॉट डिस्टिल वाटर रखा हूँ, उसी से इसको वॉश कर ले रहा हूँ। अब मेरा फिल्ट्रेशन देखिए कंप्लीट हो गया है, कुछ भी नहीं है इसमें। मेरा बहुत फास्ट फिल्टर हुआ है, और ऐसे फिल्टर करने में हमको अभी 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। तो चलिए फिल्ट्रेशन कंप्लीट होता है, अब इसको मैं यहाँ से पहले मशीन को बंद कर देता हूँ और इस रेसिड्यू को यहाँ से निकालता हूँ और इस क्रूसेबल में, सिलिका क्रूसेबल में इसको डाल के मफल फर्नेस में डाल देना है। इसमें
डाल दीजिए, जल जाएगा 10 मिनट में 15 मिनट में, उसके बाद फिर निकाल लेंगे। अब हम आ गए हैं बैलेंस के पास, देखिए इसको वेट कर लेते हैं कितना आ रहा है ये, ठीक है इसी में वेट कर लेते हैं। आप चाहें तो क्रूसेबल के साथ भी वेट करके फिर उसको खाली करके एम्प्टी क्रूसेबल का वेट करके माइनस कर सकते हैं, है ना, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ क्या आ रहा है वेट। इसको अच्छे से इस क्रूसेबल को ब्रश से झाड़ लीजिए, है ना, ब्रश से बढ़िया से झाड़ लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए, यही आपका इतना देर का मेहनत का परिणाम है 0.0035। चलिए अब हम लोग इसको कैलकुलेशन बोर्ड पे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। घंटों मेहनत करने के बाद हम लोगों को आखिरकार एक आउटपुट रिजल्ट मिला, वो क्या मिला कि जो हम लोग का रेसिड्यू बचा था, ठीक है, रेसिड्यू जो बचा था उसका वेट हम लोग लिए, कितना वेट आया, वेट आया 0.0035, ये हमारा रेसिड्यू वेट था। ये किसका वेट था, ये वेट था आपका सल्फर का, जो बेरियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसी का ये वेट था, जो हम लोग को नीचे बैठता है सल्फर, जब बेरियम क्लोराइड डालते हैं तो वो जो नीचे एक लेयर बनता है, जो प्रेसिपिटेशन आता है वो क्या होता है, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो हम लोग उसी में से सल्फर को फाइंड करते हैं कितना सल्फर इसमें है, ठीक है। तो ये हमारा रेसिड्यू का वेट आया, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए 13.74 से, ये 13.74% है बेरियम सल्फेट में इतना सल्फर है, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.048, क्या आ जाएगा हमारा परसेंटेज ऑफ सल्फर, ठीक है। थोड़ा इसमें सल्फर ज़्यादा हमको दिख रहा है, इस सैंपल में सल्फर इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है हमारा वो उससे हमको मतलब नहीं है कितना सल्फर आया नहीं आया, आपको प्रोसीड्यूर समझा दिए, ठीक है। तो चलिए अब हमारे वीडियो को अच्छे से देखे ही होंगे आप लोग, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, ओके बाय।